टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हजार जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अरे शिक्षा विभाग में व्याप्त धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा विभाग में व्याप्त धांधली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेगूसराय में बीपी स्कूल छात्रावास का मुद्दा इस समय काफी जोरों शोर से गर्मा चुका है। ऐसे में विभिन्न छात्र संगठन इस वक्त अपनी कदम बढ़ा चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से छात्र संगठन की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ऐसे में जो संख्या बल आपको दिखाई दे रहा है, बस उसकी एक ही मांग है कि बीपी स्कूल का जो हमारा छात्रावास है उसे अतिशीघ्र खाली करे सरकार और इनको अपना अलग जगह शिफ्ट करे। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के एएसएफ के छात्र नेता अमीन हमजा मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आया और आप लोग चाहते क्या हैं। हमने दशकों से इस बात को रखा है और जिला शिक्षा विभाग से लगातार मांग कर रहे हैं कि जहाँ पर अभी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये जिला शिक्षा विभाग का बपौती नहीं है, ये बीपी हाई स्कूल का छात्रावास है जिसका अवैध अतिक्रमण करके जिला शिक्षा विभाग कुंडली मारकर बैठी है और उसके खिलाफ हम लोग पिछले दिनों लिख कर दिए और 48 घंटा पहले हम लोगों ने बेगूसराय के विभिन्न शैक्षणिक सवालों को लेकर और ये जो डीओ की लापरवाही के वजह से, शिक्षा विभाग की लापरवाही के वजह से एक तो कब्जा किए हुए हैं शिक्षा विभाग, एक तो बीपी हाई स्कूल के छात्रावास को कब्जा किए हुए हैं, ऊपर से यहाँ जो जर्जर स्थिति है उस जर्जर स्थिति का किसी भी तरह का मरम्मति नहीं करा रही है, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है कि वो छत गिर गया और यहाँ के लोग निश्चित तौर पर डीओ सहित यहाँ के कर्मचारी के जान पर अभी तक बना हुआ है कि किस वक्त कौन सा छत गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। निश्चित तौर पर ये डीओ की लापरवाही है और जब यहाँ पर बिचौलिए आएंगे, यहाँ के दलाल कुछ लोग आएंगे पदोन्नति के नाम पर, जहाँ पर लूट खसोट होता है, जो अड्डा बना हुआ है यहाँ, वो लोग आएंगे तो उनको बैठा कर बात करेंगे, उनको बैठा कर डील करेंगे, लेकिन जब छात्र से संबंधित समस्याओं को लेकर कोई आएंगे, जब शिक्षा से संबंधित कोई समस्याओं को लेकर आएंगे, स्कूल की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर आएंगे, कॉलेज की व्यवस्था को लेकर यहाँ आएंगे, तो उनसे वो नहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं और हमारी मांगों को नहीं माना गया का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, आगे आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने को बात दोगे, जिसकी सारी जवाबदेही यहां का जिला शिक्षा विभाग का होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी का। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि दलालों का अड्डा बन चुका है ये शिक्षा कार्यालय, यही कारण है कि छात्र हित में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बरसों से इनकी मांग है छात्रावास खाली करने की और छात्रावास इस समय काफ़ी जर्जर स्थिति में अपनी हाल पे रो रहा है। हाल ही में 2-3 दिन पहले यहाँ छात्रावास में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, इन लोगों का यह भी कहना है। ऐसे में कुछ और भी छात्र हैं यहाँ, एएसएफ के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आ रहा है और आखिर अधिकारी चाहते क्या हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो जो शिक्षा पदाधिकारी का ऑफिस है ये दलाल का अड्डा बन गया है। एक बात है, आप एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए, जब बीपी हाई स्कूल का ये हॉस्टल है तो फिर शिक्षा पदाधिकारी का ऑफिस कैसे बना है। कई दशक से हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है इसको खाली कीजिए, लेकिन जो भी शिक्षा पदाधिकारी आते हैं वो कान में रुई डालकर सो जाते हैं, काफ़ी लूट खसोट करते हैं लेकिन एक अपना ऑफिस नहीं बना रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे, जब तक ये ऑफिस खाली नहीं कराएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक ऑफिस खाली नहीं होगा तब तक जो है सो आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा एएसएफ के जिलाध्यक्ष का कहना है। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, कह लेंगे। हमारे साथ तानिया है, तानिया क्या कहेंगे आप? तकरीबन 20 लाख छात्र हैं बेगूसराय में, हॉस्टल की संख्या क्या है और ये जो सरकारी हॉस्टल बीपी स्कूल का है इसके लिए आप लोग लंबी लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं खाली हो पा रहा है, क्या कारण है? ये सरकार की गलती है, सीधी सी बात है, सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस घोटाला घूसखोरी बस वहीं आती है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि शिक्षा कहाँ पे हो रही है, क्या क्या शिक्षा बच्चे को मिल रही है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये एक घूसखोरी का अड्डा बन चुका है, हर एक कॉलेज में बस यही होता है कि शिक्षा के नाम पे घुसखोरी की जाती है बच्चों से। बिल्कुल, तानिया थी छात्र एएसएफ की नेत्री है, इन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि छात्र हित में शिक्षा विभाग कोई कदम नहीं उठा पा रही है और सिर्फ दलालों का अड्डा बनकर यह शिक्षा कार्यालय रह गया है और यही कारण है कि इन लोगों को आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। ऐसे में हमारे साथ एक और छात्र नेता है,
हम इनसे भी जानना की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आया और प्रदर्शन आप लोग लगातार क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज हमने करीब 2 घंटे तक जिला शिक्षा कार्यालय पर कब्जा जमा के रखा है। वजह था, हम इस छात्रावास को खाली करके बीपी स्कूल को छात्रावास को सौंप देने की मांग कर रहे हैं, पर शिक्षा विभाग अपने कान में रुई डाल के सोया हुआ है। उन्हें इस छात्रावास को सौंपने का कोई इरादा नहीं है। आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग रखा है। आने वाले दिनों में 1 सप्ताह के भीतर अगर हमारे बातों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग जिला शिक्षा कार्यालय पर पुनः कब्जा करेंगे। इस बार हम अपने साथ बीच के किसी साथी को यहाँ का डीओ बनाएंगे और चैम्बर पर कब्जा करके हम अपने स्तर से यह कार्यालय बीपी हाई स्कूल को सौंपने का काम करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अगर यह कार्यालय नहीं संभलेगा तो अंत में इनके ही बीच से कोई कार्यकर्ता इस कार्यालय को संभालेंगे, लेकिन छात्र हित में वह बात करके रहेंगे जिसके लिए लोग लंबी लड़ाई अब तक लड़ते रहे हैं। बहरहाल देखना होगा इन तमाम बिंदुओं के बाद शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग आगे क्या रास्ता इख्तियार करता है छात्र हित में। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज लाइव।